सर, राजू बाबा से तुम्हारी बात बहुत पहले हुई थी, मेरे ख्याल से एक साल पहले। तो मैं तो अपने हर सिनेमा को लेके एक्साइटेड ही रहता हूँ, चाहे वो छोटी बजट का हो चाहे बड़ी बजट का हो, मेरे लिए सिनेमा सिनेमा होता है। और सूरज जी के साथ, राजू जी के साथ, और मुझे अभी प्रतिभा जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। प्रतिभा जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी डकैत, ये मेरी हीरोइन थी, और उस सिनेमा में पवन सिंह हीरो थे, लेकिन हमको और प्रतिभा जी को ही सिनेमा के लिए याद किया जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम फिर एक बार काम करेंगे। कहानी अच्छी है, रोल भी अच्छा। कैसे केमिस्ट्री रहने वाली सर इस बार प्रतिभा जी की और आपकी? अभी तो डायरेक्टर बताएगा, इस बार तो इसमें रोमांटिक हीरोइन है, हीरो के साथ हैं। मैं इनको मारूंगा कि मैं इनके साथ रहूंगा, ये तो अभी पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है और टीम भी अच्छी। सर बात कीजिए जैसे बतासा चाचा, जहाँ की पब्लिक आपका मनोज टाइगर को हम बतासा चाचा ही ज़्यादा बुलाती है, कहीं आप जाते हैं तो भी जी बतासा चाचा आ गए हैं। तो सज्जन बलम जी झूठ ना बोली में बतासा चाचा क्या कर रहे हैं? मैं इसमें निगेटिव भी है कि वो पॉजिटिव है। किरदार मेरा अच्छा है, कॉमेडी ही है, वही बतासा चाचा की इमेज। देखिए नामकरण दो बार होता है, एक बार जन्म लेते हैं तब कलाकार का दो बार नाम पड़ता है, एक बार जब वो जन्म लेता है तब, और एक बार जब वो कोई किरदार रचता है, चाहे वो शोले का गब्बर हो। तो मनोज टाइगर को बतासा चाचा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और अब मैं कितना भी कुछ भी कर डालूं, लेकिन मैं जब जहां जाता हूं तो लोग मुझे बतासा चाचा ही कहते हैं, तो उसी तरह का कुछ किरदार है इसमें। आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी? आने वाली फिल्मों में बलमुआ तोहरे खातिर और मोकम्मा जीरो माइल, इच्छाधारी, यही दो तीन फिल्में हैं। प्रतिभा जी के लिए क्या कहेंगे? प्रतिभा जी के लिए कहूँगा कि प्रतिभा जी का जो प्रतिभा है उसको भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने भी इस्तेमाल नहीं किया, ये बात फैक्ट है। ये कमाल की सिंगर हैं और कमाल का डांस करती हैं, इनको क्लासिकल अच्छी तरह मालूम है, इनको सारे विधा मालूम है, किसी तरह का इनसे आप नृत्य करवाइए और ये जितनी बेहतरीन इतनी अच्छी। मैंने बीच में बोला था कि भोजपुरी में तो दो ही लोग भोजपुरी बोलते हैं, एक प्रतिभा जी एक पुष्पा वर्मा जी। इतना अच्छा एक्सेंट, इतनी अच्छी जबान शायद ही भोजपुरी में किसी की हो, और जितनी अच्छी कलाकार हैं उससे अच्छे इंसान भी हैं। दर्शकों से क्या कहेंगे आपको? दर्शकों से कहेंगे राजू बाबा का भला कीजिए, सिनेमा बन जाए और हिट हो जाए, इस बार दूसरा और बनाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो सबको प्रणाम करती हूँ, प्रतिभा पांडे को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग सपोर्ट करते हैं, सबका धन्यवाद करती हूँ। और राजू बाबा जो हैं हमारे, वो भी काफ़ी समय से बोल रहे थे प्रतिभा जी मूवी करना है, आज आकर उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया और आज मुहूर्त हो गई। और मैं ज़्यादातर लेडीज़ प्रधान महिला के ऊपर ज़्यादा जो फिल्में होती हैं वो ज़्यादातर मैं करती हूँ, लेकिन इस बार अब थोड़ी सी चेंज हो रही है, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा चुलबुली टाइप की और अच्छे अच्छे मिल रही है, तो थोड़ा चेंज है अभी लाइफ में अपने। और ये जो कितना चेंज लगेगा आपका अभी तक जो मैं नहीं की वो मैं करना चाहती हूँ। सभी लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा रोमांटिक किया कीजिए आजकल ज़्यादा चलता है, मैंने कहा ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी रोमांस करना ये करना उसमें मैं पीछे नहीं हूँ। मैं अभी दिखाऊंगी लोगों को कि रोमांस क्या होता है और रोमांटिक फिल्में क्या होती हैं, कैसी होती हैं। और एनीवे मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके लिए हमारे लिए दुआ करें। ये बलम जी झूठ ना बोली, अभी मैं ये मूवी कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी, इसमें काफ़ी अच्छा मेरा काम है, एक महिला के ऊपर है, पतिव्रता स्त्री है, तो मुझे अच्छा लगता है इस टाइप की फिल्में, लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं मुझे इसी रोल में। तो बस मैं चाहती हूँ कि मधु जी बात करें जो है बतासा चाचा के नाम से मशहूर मनोज टाइगर जी के साथ एक बार फिर आप नज़र आने वाली हैं। जी वो सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और बेस्ट सपोर्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कुणाल जी हैं, चाहे मनोज टाइगर जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हीरोइन में ही हो, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा वर्क हो तो मज़ा आती है काम करने में। और डकैत में उनके साथ हमने काम किया था, तो मुन्नी बाई के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं मुझे, मैं काफ़ी मशहूर हुई, आगे भी मैं दो तीन मूवी कर रही हूँ। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेकर जी उनके लिए मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ
ये फिल्म सुपर 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 हो। मैडम आप सिंगर भी हैं, ढेर सारे फिल्मों में आप गाना भी गाई हैं, तो इसमें भी आपके कुछ गाने आने वाले हैं, बताइए और अपने मनपसंद दोलन गीत भी सुना दीजिए। हाँ, इस फिल्म में तो पहले से रिकॉर्डेड है, तो इसके लिए मैं एक हीरोइन के चलते मुझे यहाँ साइन किया गया है। मैं इसमें गाना नहीं की गाई हूँ, तो अभी और नेक्स्ट मूवी है उसमें गा रही हूँ। आपकी मनपसंद का कोई दो लाइन दर्शकों के लिए भोजपुरी में? राजकुमार जी की एक फिल्म है, बड़ी रोमांटिक और ऐसी फिल्में बनाते हैं, उनका एक गाना है, आए हो दादा कोई सुन पियवा के चोहरी तरवा, आए हो दादा कोई सुन पियवा के चोरी तरबा, शादी को के लाए लो तब से रोहत घर के भीतरबा, आए हो दादा कोई सुन पियवा के चोरी तरबा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि फिल्म अच्छी बने, टीम तो एक अच्छी बनी है, और साथ में मैं चाहूँगा कि एक पारिवारिक फिल्म बने जो दर्शक इसको आराम से देख सकें, अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। इसमें भूमिका क्या होगी आपकी? अभी तक तो जितनी फिल्में मेरी मेन खलनायक की है, तो इसमें भी मैं मेन खलनायक ही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली मुझे। तो जैसे कि आपका जो गेटअप आ रहा है, दिख रहा है, तो यही गेटअप फिल्म में दिखेगा या कुछ अलग होने वाला है? फिलहाल तो मेरे हिसाब से अभी यही गेटअप रहेगा, लेकिन अब डायरेक्टर के ऊपर है कि वो क्या गेटअप देते हैं मुझे। कुछ डिफरेंट हो सकता है कि कुछ अलग हो। मेरी आने वाली फिल्में, अभी केली ही टेंडर है विराज भट्ट के साथ, जिसमें मेन खलनायक हूँ मैं, तेरी मेरी आशिकी है, मतलब तीन चार फिल्में हैं जो इस महीने के लास्ट तक रिलीज होने वाली हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए मैं बोलूँगा कि काफ़ी मेहनत से इन्होंने इस फिल्म को जो है डिज़ाइन किया है, तो मेरी शुभकामनाएँ रहेंगी कि जो फिल्म अच्छे ढंग से बने, जो उन्होंने सोचा है, जो भी उनकी सोच है, उस सोच को पूरी करें हों और एक अच्छे बेहतरीन तरीके से फिल्म बने, ताकि दर्शकों को पसंद आए और दर्शकों को कोई शिकायत ना रहे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बलम जी झूठ ना बोली, टाइटल भी है बलम जी झूठ ना बोली। सोचिए कि इंसान कितना झूठ बोलता होगा अपनी वाइफ से, सोचिए कितना झूठ बोलता होगा। कभी आप लोग ने सोचा है, इंसान जब दारू पीता है तो अपनी बीवी को जाके बोलता है, अरे यार मैं दारू नहीं पिया हूँ। भी बोलती नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। फिर सोचिए कि बार बार झूठ बोलते 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 हुए अचानक क्या होगा, वो आपको इस फिल्म में दिखेगा, बलम जी झूठ ना बोली में। ये एक पारिवारिक फिल्म है और इसके गाने बहुत कन कन प्रिय हैं। अगर झूठ की बात की, जैसे भी बोला कि झूठ ढेर सारा बोलना है लाइफ में होता ही है, तो एक फिल्म हिंदी फिल्म आई थी जिसमें गोविंदा जी झूठ बोलते हैं, तो कहीं वो कैरेक्टर आपका इंस्पायर नहीं होगा कुछ इस तरीके से? गोविंदा जी की जहाँ तक बात की जाए, तो वो तो आपको पता महान कलाकार है, लेकिन कोशिश है कि जो उन्होंने किया है मैं भी करूं, एक इच्छा है हमारी। और आपके साथ में नायिका कौन नजर आने वाली है जिनसे आप छूट? भाई हमारे साथ नायिका है प्रतिभा पांडे जी, जो बहुत चुलबुली है, और बहुत अच्छा है मुझे कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मनोज जी है, एकदम पूरे कॉमेडी के साथ पूरा हंसाएंगे सबको, ऐसे ही बताशा चाचा करके फेमस भी है हमारे। और आपके साथ में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले कि राजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी कास्टिंग की। उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा तो सीधा बोले मुझे कि आनंद तू इस रोल में फिट बैठता है, तो मैं भी बोला कि बहुत सौभाग्य है, और हम भी चाहते हैं हमारी पूरी टीम मिलके इस फिल्म को बहुत ऊंचाई तक ले जाए, और बहुत अच्छा लोगों के साथ देखने को मिले, पारिवारिक फिल्म है, सब लोग बैठ के देखें इसको। आपके साथ खड़े हैं, इनके बारे में बताइए। इनके तो साहब के मैं हेयर स्टाइल का दीवाना हो गया हूँ भाई, कल से जब से मिला हूँ। हंसते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एक फिल्म इनका देखने को मिलेगा आप लोगों को। आपका परिचय और आपका किरदार क्या है? किरदार मेरा नाम संजू बाबा है, और हम लोग मूवी में दोस्त हैं एक दूसरे के, और साथ ही में पीना खाना घूमना है जो भी है। फिल्म के अंदर करेंगे, फिल्म के बाहर भी करेंगे? फिल्म के अंदर ही करेंगे, साथ ही में पीना वाना जो भी है। इनकी वाइफ इनको मना करती है, जैसे मतलब हम लोग एकदम
मतलब इनकी सारी बातें आप होम मिनिस्टर तक पहुंचाने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि बलम जी झूठ ना बोली। तो क्या कहेंगे ऑडियंस से, क्या कहेंगे आप अपनी इस फिल्म को लेकर के? ये मूवी की कहानी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऐतिहासिक होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर किया गया है, जैसे जातिवाद को भी और फ्रेंडशिप है, फिर दहेज को, काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं और थोड़ा सा अलग हट के, जो मतलब आजकल मतलब अच्छी मूवी है वो सामने आएगी। तो पता, जैसे आपने बोला कि ढेर सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों को दिखने वाली है, तो ढेर सारी चीज़ें दिखाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, होगी। आपने कितनी तैयारी किया है सब चीज़ों? तैयारी है बहुत, तो पर्दे पे पता चलता है। आनंद जी और प्रतिभा जी, बतासा चाचा, उसमें मनोज टाइगर जी, समीर शेख जी, सब लोग हैं आपके साथ, कितना उनसे सीखने वाले हैं आप, किस तरह टीम रहने वाली है आप? बहुत बहुत सीखने को मिलेगा, सब लोग काफ़ी सीनियर हैं हमसे, ये मेरी भोजपुरी की पहली मूवी है, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके सर, बात करें आज बलम जी झूठ ना बोले फिल्म को प्रमोट हो रहा है, आप क्या विश करना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए और पूरी की टीम के लिए? सबसे पहले तो बलम जी झूठ ना बोली के इस मुहूर्त पे आए हुए सभी निर्माता, निर्देशक, तकनीशियन के साथ साथ अभी जितने भी मीडिया के लोग हैं, सभी का मैं नमन करता हूं। और आज एक अच्छे माहौल में, वर्षों बीत गए हैं भोजपुरी फिल्म करते हुए, मुझे एक अच्छे माहौल में एक अच्छे टाइटल के साथ राजू बाबा जी ने एक पारिवारिक फिल्म इन्होंने शुरू किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आजकल हिंदी टाइटल के साथ भोजपुरी फिल्में बनती हैं, और पता नहीं क्यों हमारे भोजपुरी में ही इतने मतलब टाइटल हैं, इतने अच्छे अच्छे टाइटल हैं, फिर भी लोग हिंदी फिल्मों का टाइटल चुराते हैं। लेकिन ये नेचुरल लगा कि बलम जी झूठ ना बोली, बहुत ही खूबसूरत टाइटल है, और इनके नायक नायिका और हमारे मनोज टाइगर, प्रतिभा जी, इनके साथ कई फिल्में हमने किए हैं, और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से इस फिल्म में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। हर फिल्मों से मैं कुछ सीखता हूं, और वर्षों पहले हमारी एक फिल्म बलमा नादान, उससे मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद करीब करीब 150 से 200 फिल्में हमारी रिलीज हैं, जिसमें राजा ठाकुर है, धरती के है, पुकार के है, माई है, दुला गंगा पार के है, सुहाग बिंदिया है, पैजनिया है, काफ़ी फिल्में अभी हाल में हमारी जो फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें नाच दुलारी नाच है, दंगल है, मंगल फेरा है, शिव चर्चा है, काफ़ी फिल्में हैं हमारी, शत्रु जी के साथ बिहारी बाबू की मैंने, तो एक लंबी यात्रा तय किया आया था काम करते हुए, आज वरिष्ठों के लिस्ट में आ गया हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं अपने भोजपुरी परिवार के साथ मैं बहुत खुश हूँ। काम तो मैंने हिंदी में भी काफ़ी किया है, एक सीरियल गुलशन कुमार जी ने बनाए थे और बाहुबली मिस्त्री उसके डायरेक्टर थे, शिव महापुराण उसका नंदी भी मैं हूँ, और हिंदी फिल्मों में प्रकाश झा के दामुल, शत्रु जी के कालका, देवानंद जी के सामने साथ अव्वल नंबर, ये सारी फिल्में, साउथ की एक फिल्म की थी मैंने अभी, तो अभी एक हिंदी की फिल्म, बड़ी फिल्म रिलीज हुई हमारी बदलापुर बॉयज़, काफ़ी अच्छा रोल था, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, तो ये फिल्मों का सिलसिला चल रहा है। फिर भी मुझे भोजपुरी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं भोजपुरी करूँ, और मुझे खुशी होती है कि भोजपुरी आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे है, बहुत सारे आज एक इंडस्ट्री के रूप में ये विकसित है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जितने न्यू कमर्स हैं वो इसके मिठास को, इसकी मर्यादा को और इसके भविष्य को सुरक्षित रखें, यही मैं कहूँ। थैंक यू। देखिए, यह फिल्म के परिचय तो नामे से रुआ हो जाइए, बल्ला मुझे झूठ ना बोली, नाम से तो ये लगा था कि उनकर बलमुजी झूठ बोलते रहे, तो कहा कि झूठ मत बोली। बेसिकली पिक्चर पारंपरिक बा हमने के भोजपुरी के जौन होके के चाहे माटी के चीज़,
आ पति ओकर नाना प्रकार के मैंने उदंड व्यक्ति टाइप के बाड़न आ जोन हीरोइन बाड़ी उनकर पत्नी पत्नी उनका के अपना स्वभाव से अपना पतिव्रता धर्म से वो पति के सुधार ले तरी यह फिल्म के मेन कहानी यह बा। अंत में पति के समझ में आ जाता कि नहीं पत्नी हमार सही बाड़ी। आ सबसे पहले यह फिल्म में भाषा जो हमने की भोजपुरी में सुनत नहीं जा जे भी जहाँ के बाटे वो भाषा के प्रयोगकर्ता कहत यह भोजपुरी है, लेकिन एक में कोशिश प्रयास ये भइल बा कि जो हमने के असली भोजपुरी है माटी के जो चीज़ है वो कर के इमें लिखे के संवाद में कोशिश कैल बाटे। दर्शक लोग से का कहे चाहे फिल्म लेके? दर्शक से हम ये कहब कि यह कहानी से शिक्षा लेब आ देखब कि एगो नारी जौना नारी के हमने के समाज में चाहे हर समाज में लक्ष्मी मानल बा तो सच में वो लक्ष्मी कैसे साबित होता रही ये कहानी ये शिक्षा दी दर्शक लोग के। थोड़ा दो कदम पीछे ले लीजिए सबसे पहले सर जी आपको ढेर सारी शुभकामना आज फिल्म के मुहूर्त के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इस बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद मैं देता हूँ कि जो हमारी इस फिल्म को आप हर जगह जगह तक पहुँचाएंगे देश विदेश तक। और साथ ही साथ पिक्चर का टाइटल बाकी सभी लोगों ने हमारे सभी करेक्टरों ने राइटर ने सभी कुछ बता दिया है कि जिसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मैं तो यह अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि ये मुंबई में जो है पिक्चर का ओपनिंग मैं कर रहा हूँ। हमारे मनोज भैया जो बगल में ही खड़े ही हैं एकदम हनुमान जी जैसे मेरे ऊपर हाथ रखे हुए, साथ में हमारी नायिका फिल्म की प्रतिभा पांडे, आनंद देव मिश्रा, राइटर विश्वनाथ राजपुरी, संजू बाबा भी नए करेक्टर उभरते हुए हमारे साथ में, सूरज जी इधर आ जाइए, बाकी उदय जी हैं, बाकी सभी कलाकार। मतलब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पूरी टीम आप देख रहे हैं इनके सबके सहयोग से मेरी फिल्म बन रही है और बहुत इस चीज़ की खुशी है कि पहली बार दशकों के बाद मैं किसी ऐसी फिल्म की ना कोई कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन दशकों के बाद एक फिल्म आ रही है जो नदिया पार और दुल्हा गंगा पार जैसी स्टोरी है। और मैं अपनी फिल्म बना के नहीं देख सकता था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन यह फिल्म हम अपनी ही बना के आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ देखेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं इस चीज़ को काटना चाह रहा था इंडस्ट्री से और फिर से ऐलाना चाह रहा हूं कि एक साफ़ सुथरी फिल्म बने। और सभी फिल्मकरों से मैं यह निवेदन करके चाहता हूं कि इतनी साफ़ सुथरी फिल्में बने कि जो लोग हम लोग को एक भद्दी निगाह से देखना चाहते हैं वो हट जाए। हम लोगों के ऊपर जो एक कालिक लग चुकी है, लोगों ने लगा चुका है कि हिंदी के ऑडियंस नहीं देखने जाते हैं भोजपुरी को, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको मजबूर होकर के आके देखना पड़ेगा। सवाल इधर में जवाब में आप सबका ओके पब्लिक इधर बात करें, जैसे कि हर फिल्मों में एक चलन हो गया फिल्म में आइटम डांस की जी जी और आइटम डांस एक तड़का के रूप में और वो कैसे प्रजेंट करते हैं सबको पता है, इसमें क्या कितना तड़का रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए तड़का तो है, लेकिन मैं उन पुरानी हिंदी फिल्मों जैसे तड़का दिया है दे रखा है इस फिल्म में कि एकदम सटीक जो जिस एज का है उस एज से उस गाने को समझे। तड़के में ऐसा नहीं कि मैं ओपन कोई ऐसा शब्द दे दिया हूँ कि जो हम विद फैमिली सुने और हमें खुद बद्दा लगे, ऐसा कोई तड़का मैं भी दिया हूँ आइटम का चूंकि मजबूरी है, लेकिन तड़का दिया हूँ, लेकिन तड़के में एक ऐसा साफ सुथरा तड़का दिया हूँ कि विद फैमिली हम सुन सकें। पूरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में होगी, लखनऊ और बहराइच, इलाहाबाद, बनारस और थामे में माँ के दरबार में, बाकी एक दिन दो दिन का शेड्यूल हमारा मुंबई का है। तो बाकी क्या कहना चाहेंगे सब जो साथी कलाकार इन सबसे? मैं तो कहने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मेरी पुरानी सोच थी और मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। और ये मेरी माँ की एक सोच थी जो इस समय नहीं है, और मनोज भैया जैसे सारे कलाकारों ने जो एक शाबाशी दिया और बहुत स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ, इन हमारे सारे कलाकारों का, सारे राइटर, सारे टीम का एक बहुत बड़ा मेहनत है कि जो मैं इस कगार तक पहुँचा हूँ। इसके लिए मेरे पास कुछ कहने के लिए क्षमता ही नहीं बचा। हम सब साथ हैं आपके साथ। बिल्कुल।